बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ सर सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक सीक्वल पार्ट लेके आए हैं। हम मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस के प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं एज अ मॉडल पेपर। आदम जी कोचिंग सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 सेक्शन सी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का डिटेल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज दिया गया है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लिया गया है। द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर ए 2.1, बी 5.2 एंड सी 3.4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने एक सर्कम सर्किल ड्रॉ किया और इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया। तीन वर्टिसेस होंगे ए बी सी, इसके नाम रख दिए और हमने पॉइंट्स लोकेट करा दिए। यहाँ पर सेंटर होगा ओ एक्स वाई और इसका ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, ओ से लेके सी तक वो सब रेडियस होगा। अब हमने इसको लिख लिया, कंसीडर अ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेट ओ एक्स वाई बी अ सर्कम सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब पहले ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे, ओ के पॉइंट्स एक्स वन वाई वन हो जाएंगे, ए के पॉइंट्स एक्स टू वाई टू हो जाएंगे। अंडर रूट टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की जानिब। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। ओ सी हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ओ के पॉइंट एक्स वन वाई वन, सी के पॉइंट एक्स टू वाई टू हो जाएंगे, प्लस फोर वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्योंकि तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, क्योंकि रेडियस बराबर होता है, तो इक्वेटिंग वन एंड टू करेंगे। पहले वन और टू को इक्वेट कर लेते हैं। अंडर रूट टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा हम, जब जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर से खोलेंगे फोर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का स्क्वायर से खोलेंगे वन माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ए माइनस बी का स्क्वायर से खोलेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर से फोर माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको सिम्प्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये काम करेंगे कि इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे, तो फाइव माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई माइनस फोर वाई, इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो टेन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर वाई प्लस फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन इजिकल टू जीरो, सिक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेंटी फोर इजिकल टू जीरो। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, डिवाइड बाई टू कर देंगे, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर फोर बन जाएगी। अब जैसे फोर बनेगी तो अब हमें क्या करना है, फिर एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी, इक्वेटिंग टू एंड थ्री करना पड़ेगा। अब टू को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, थ्री को राइट हैंड साइड पर, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अगेन और फिर फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करेंगे, रूट कट जाएगा और अंदर वाली टर्म्स जो है फॉर्मूला से ब्रेक होके बाहर आ जाएंगे। ट्वेंटी फाइव माइनस टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होएंगी। 29 माइनस टेन एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 25 माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई। इस एरो को मतलब इन तमाम टर्म्स को रिशिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखिए बेटा टेन एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस फोर वाई प्लस 25 माइनस 29 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड बोथ साइड बाई फोर कर दिया, एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, इक्वेशन नंबर फाइव। अब हम क्या करेंगे, फोर प्लस फाइव कर देंगे बेटा हम,
अब देखें 3x प्लस वाई माइनस 12 इजिकल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। बेटा वाई कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 1 4x, ये हो गया माइनस 13। माइनस 13 को उधर शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 13/4। अब इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दीजिए, ठीक है, या 4 में पुट कर दें। 5 में पुट करने से आसानी से आ जाएगा रिजल्ट। 5 में पुट किया, 13/4 माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0, माइनस वाई को उधर शिफ्ट किया प्लस का, इसके साथ एलसीएम मिल गया, 4 × 4 13 माइनस 4 9/4 हो जाएगा। तो ये आपके पास वाई कॉम्पोनेंट आ गया और आपका जो सर्कम सेंटर था वो ओ एक्स वाई था। एक्स की वैल्यू आपने निकाली 13/4 और वाई की वैल्यू 9/4 निकाली, ये आपके पास ओ एक्स वाई आ गया। अब आप सर्कम रेडियस के लिए काम करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेटा फॉर सर्कम रेडियस के लिए आप किसी को भी आप आर सपोज करेंगे, आर इज इक्वल टू ओ ए के बराबर हो जाएगा। रेडियस आप पुट करेंगे तो ओ के पॉइंट्स एक्स वन वाई वन, ए के पॉइंट्स एक्स टू वाई टू। तो 2 − 13/4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 − 9/4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 4 × 2 = 8, 8 − 13 जो है 5 हो जाएगा, 5/4 का स्क्वायर 25/16। और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 4 × 4, 4 − 9 − 5 − 5/4 का स्क्वायर 25/16। देखिए बेटा 25 और 25 50 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 25 का रूट निकालने के लिए आप इसको तोड़ेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 25 × 2 करेंगे, 25 का बाहर आ जाएगा 5। रेडियस इज इक्वल टू 5√2/4 यूनिट्स, ये आपका रेडियस हो गया। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x + 7y − 8 = 0, 3x + 2y + 5 = 0 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45° विद द लाइन 2x + 3y − 7 = 0। बेटा आप दो लाइनें आपको दी हुई हैं, एक लाइन दी हुई है L1 L2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन L जो है पास कर रही है, इसकी एक वजह मालूम करनी है। ये एक और लाइन है, इसके साथ क्या कर रही है, 45° का एंगल बना रही है। लेट L बी द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू L1 एंड L2, यूजिंग K मेथड करेंगे, L1 + K L2 = 0 करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम इनकी वैल्यूज L1 की और L2 की इसमें पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा यहाँ पर L1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी प्लस के, L2 = 0 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस K को इस वाली इक्वेशन से सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x + 7y − 8 + 3kx + 2ky + 5k = 0 बन गया। अब जहाँ जहाँ x है उन टर्म में से x को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 + 3k × x आ जाएगा और y टर्म कॉमन निकालेंगे, 7 + 2k × y, और कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर लेंगे, 5k − 8 = 0। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। बेटा x का क्वेश्चन a बन जाएगा, y का क्वेश्चन b बन जाएगा, ये आपने उठा लिया, c को लेने की ज़रूरत नहीं है। m1 स्लोप आपको पता है कि जब लाइन गिवन होती है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला −a/b होता है, तो आपने a पुट कर दिया, b पुट कर दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड लाइन मेकिंग एन एंगल फॉर θ = 45° विद द गिवन लाइन, गिवन लाइन को हमने L- सपोज कर लिया। क्या बेटा आपके पास है 2x + 3y − 7 = 0, m2 स्लोप हो जाएगा −a/b, a 2 हो जाएगा, b 3 हो जाएगा, −2/3। अब आप क्या करोगे, लेट θ = 45° बी द एंगल बिटवीन L- to L, तो फॉर्मूला बनेगा tan θ = m1 − m2/1 m1 m2। अब आप यहाँ पर इनके स्लोप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बेटा tan 45 = आप पुट करेंगे −2 + 3k / 7 + 2k + 2/3 / 1 + m1 m2। अब ज़रा और से देखिए,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये थ्री मल्टीप्लाई विद दिस, ये वन से मल्टीप्लाई करेगा। तो आप देखिए 1045 वन के बराबर हो गया, यहाँ पे इसका क्रॉस एलसीएम लिया, यहाँ पे भी क्रॉस एलसीएम लेगा और ये माइनस माइनस प्लस रहेगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस सिक्स हो गया, माइनस नाइन के हो गया, प्लस फोर्टीन प्लस फोर के हो गया, यहाँ पे थ्री से 21 हो गया, प्लस सिक्स के हो गया, प्लस टू टू फोर प्लस सिक्स के। ऊपर भी सिम्प्लीफाई करेंगे तो माइनस फाइव के प्लस एट बचा, डिवाइड बाई 12 के प्लस 25 बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वन से करेगा बेटे, तो 12 के प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 5 के प्लस 8 हो जाएगा। 5 ये के वाली टर्म इधर आएगी, ये कॉन्स्टेंट टर्म उधर जाएगी, यहाँ पर माइनस 17 बचा, 17 के 17 से 17 कैंसिल, के की वैल्यू माइनस 1। इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा देखें इक्वेशन नंबर 1 इज एम्प्लाइज दैट 2x प्लस 7y माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 7y माइनस 8 माइनस 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका सवाल कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.4 से लिए गए। ये कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित करें द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गिवन दैट, साबित करना है आपने, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 है। आपने लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसको आपने वाई की टर्म में इक्वेशन बनानी है तो एम वाई एक तरफ रहा, बाकी तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट किया तो बेटा माइनस एल एक्स माइनस एन हो गया। एम मल्टीप्लाई करा है, दर आके डिवाइड करेगा और उससे भी डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। हमने लिखा इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, x का क्वेश्चन m है, m इसके बराबर हो जाएगा और c इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ देखें m हमने कंपेयर करके माइनस एल ओवर m निकाल लिया, c इज इक्वल टू माइनस एन ओवर m निकाल लिया। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ 3 to 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपने c की वैल्यू रिप्लेस की माइनस एन ओवर m स्क्वायर, a तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से रहा, m की वैल्यू रिप्लेस की माइनस एल ओवर m इसका स्क्वायर। बेटे स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाता है, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा एम स्क्वायर एलसीएम आया, एम स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बचा। बेटा इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको रिक्वायर्ड प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 ही जाने बढ़ते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज नंबर 6.11 इंटीग्रेशन से सवाल दिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका टॉपिक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। एक्स इनिशियल कंडीशन 12 दिया है, वाई इक्वल टू 6 दिया है और फिर बेटे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानकारी। बेटे डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। आपने क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाला, y माइनस 2 हो गया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाला, y माइनस 2 हो गया। बेटा मजीद कॉमन निकाला, y माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3। स्क्वायर रूट को ब्रेक कर लेंगे बेटा, dy वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट वाई माइनस 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 3। वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि dy के साथ y की टर्म हो और dx के साथ x की टर्म हो। तो बेटे हमने
देखें ये वाला इसके नीचे ले आए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई माइनस टू इजिकल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ऑन इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इंटीग्रल साइन लगाएंगे, नीचे वाले शब्द को ऊपर करेंगे तो माइनस हाफ पावर हो गई, इसको भी पावर हाफ कर लिया। बेटा वाई माइनस टू का डेरिवेटिव वन मौजूद है तो पावर में एक का इजाफा सो डिवाइड, माइनस हाफ प्लस वन करेंगे तो पावर हाफ हो गई, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट वन अपॉन टू, और यहाँ पे थ्री अपॉन टू ओवर थ्री अपॉन टू। अब ये टू रिवर्स इधर मल्टीप्लाई होगा, टू इधर रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। अब आप क्या करोगे बेटे, देखिए बेटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी हो गया। आपने थ्री को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय थ्री कर दिया, सिक्स अंडर रूट वाई माइनस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। पुट एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व और वाई इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन नंबर वन में डालेंगे। देखिए वन इज अप्लाइड बाय सिक्स अंडर रूट सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 12 माइनस थ्री की पावर 3 अपॉन टू प्लस सी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, अब देखिएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 माइनस टू अंडर फोर हो गया, 12 माइनस थ्री 9 हो गया बेटा प्लस सी, इसका रूट निकालेंगे 2 बार आ जाएगा, 9 को ऐसे ब्रेक के 3 का स्क्वायर 9, 2 से 2 पावर कैंसिल हो गई, 6 दूनी 12 हो गया बेटा, 3 की पावर 3 27 हो गई, 27 को 200 मल्टीप्लाई किया 54 प्लस सी, 54 को इधर शिफ्ट किया माइनस का, 12 माइनस 54 हो जाएगा माइनस 42, और पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई माइनस टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री की पावर 3 अपॉन टू माइनस 42, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक्सरसाइज नंबर 6.5 का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट है 0 टू 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अब देखें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट आई कर लिया हमने सपोज, अच्छा इसके बाद क्या किया कि 0 से लेकर 1 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसको। अच्छा अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने 4 को ऐसे ब्रेक किया 2 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की वैल्यू क्या 2, 2 रिप्लेस कर दी, एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा हो गया। अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा 2 ऐसे रहा, साइन थीटा का कॉस थीटा, डी थीटा यहाँ डिवाइड कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डी एक्स का वैल्यू आ गया 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट है ये एक्स की, नया वेरिएबल आपका क्या है थीटा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 की हेडिंग डाली आपने, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 0 डाल दें, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ज़्यादा के डिवाइड करेगा खत्म हो गया। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 करें, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 डालें, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ज़्यादा के डिवाइड करेगा, अब साइन को इधर घुमाएंगे साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन को इधर घुमाएंगे साइन इनवर्स और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बेटा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 हाफ यानी कि होता है 30 डिग्री और रेडियन फॉर्म में लिखेंगे पाई बाय 6। अब आप क्या काम करोगे, आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करो, 1 इज अप्लाइज दैट 0 की जगह 0 आ गया लिमिट और जो है इसकी जगह पाई बाय 6 आ गया। अब आप रिप्लेस करो एक्स के स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर, ये डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस थीटा डी थीटा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर 3 बाई 2 पावर। अब स्क्वायर ब्रेक किया तो बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू 8 को बाहर निकाल लिया हमने और इंटीग्रल साइन 0 से गया पाई बाय 6 हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर 4, देखें बेटा हमने क्या किया यहाँ पर कि ये 8 तो ऐसी था, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला मगर 3/2 पावर के साथ आएगा, जब 4 बार आया तो 3/2 पावर के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा अब देखिए किसी भी बेस की पावर 3/2 हो तो उसको सॉल्व करने के तरीके का ये होता है कि वही बेस लिखो आप और उसी बेस को रूट में मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 4√4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये 8 ऐसे रहा क्योंकि कोफिशिएंट ने बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पे ऊपर रहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पावर क्यूब नीचे आ जाएगी, पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी और ये 2 आ जाएगा, 4 × 8, 8 × 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ तक इसको कॉपी करें फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बच जाएगा। बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा जो कि बन गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल नहीं होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 में और इसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटीगल सेक स्क्वायर डी थीटा, डी थीटा सेक स्क्वायर का इंटीगल होता है टेन और डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा। अब अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन पाई बाय 6 माइनस टेन 0 माइनस पाई बाय 6 माइनस 0, बेटा टेन 0 तो 0 होता है, ये 0 ख़त्म हो गया माइनस पाई बाय 6 हो गया, टेन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री और टेन 30 की वैल्यू ज़ुबानी याद होगी या कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, 1/√3 होता है, 1/√3 माइनस पाई बाय 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 6.9 से लिया गया है और ये है पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन सवाल, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स 2 + sin x, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया सॉल्यूशन के बाद, आपने नीचे का फंक्शन सपोज किया लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशियल निकाला इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डी वाई की जगह आपने रिप्लेस कर देना है कॉस डी एक्स की जगह रिप्लेस कर देना है डी वाई, तो अब इक्वेशन नंबर 1 इज समराइज है कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी वाई जाएगा, इसको वाई रिप्लेस कर देंगे 2 + y हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यानी लेट पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे 1/y + 2 + y है तो 1/y + 2y ले लिया, दो लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड हैं तो a/y करेंगे प्लस b/2 + y निकालेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये क्रॉस में इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा 1 बचा इज इक्वल टू a(2+y + by), इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेंगे। अब हम क्या करते हैं इसको सिम्प्लीफाई करते हैं फर्दर मोर, अब फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या काम करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर जो था y था उसको 0 के बराबर सपोज किया, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 2 में पुट किया तो देखिएगा 1 × (2), ये b तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और a की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या था, b के नीचे y+2 था, पुट y+2 = 0, y की कीमत -2 किया, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करें, 2 इज इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या हो गई बेटा -½ हो गई, -2 मल्टीप्लाई करा जरा डिवाइड करेगा, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, 1/y (2+y) = ½/y + -½/y + 2, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई आ जाएगा इंटीग्रल साइन के साथ, बेटा ये तो बन जाएगा सवाल i बन गया बेटा। अच्छा अब ज़रा और से देखें, 1/2 नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, y का डेरिवेटिव 1 तो ½ln y हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, y+2 का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा
हाफ एल एन वाई प्लस टू, और अगर सब जगह एल एन आ रहा है तो यहाँ पे सी के साथ एल एन लगा ले। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आगे इसको सिंप्लीफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बेटा आई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ हाफ कॉमन निकाल लिया एल एन वाई माइनस एल एन वाई प्लस टू कर लिया प्लस सी। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी संभाल लिया, माइनस था तो डिवाइड में कर लिया, हाफ एल एन वाई अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल प्लस एल एन सी। वाई की जगह आपने साइन एक्स पुट किया, डिवाइड बाई टू प्लस साइन एक्स। बेटा आप ये काम करेंगे, हाफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर हाफ हो गया एल एन सी। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर देंगे, एल एन सी साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए इसकी इंटीग्रेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज से लिया गया है बेटा, और इसका सवाल है अ रेक्टेंगुलर रेजरवायर विद अ स्क्वायर बॉटम एंड ओपन टॉप इज टू बी लाइंड इनसाइड विद लीड। एक आपने रेक्टेंगुलर रेजरवायर लेना है जिसका स्क्वायर जो टॉप है वो जो है वो क्या होगा, खुला हुआ होगा, और इनसाइड उसकी जो किनारे होंगी वो लीड एक जो आपका कंपाउंड होता है उससे जो है लाइन की होंगी, भरी हुई होंगी, लगाई गई होंगी। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब उसकी समतें मालूम करनी है ऑफ द रिजर्वायर की टू होल्ड ए क्यूब अपॉन टू क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है सच दैट द लीड रिक्वायर्ड इज मिनिमम। बेटे हम सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, एक हमने रेक्टेंगुलर रिजर्वायर सपोज किया, इसका बेस ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई लेंथ है, टॉप ओपन है, लेट एक्स एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर गिवन है, वी इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन टू, इक्वेशन नंबर वन। मगर हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वी इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ क्या है, एक्स है, फिर एक्स है, फिर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कराएंगे और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा इसको, इक्वेटिंग वन एंड टू किया मैंने, ए क्यूब अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई लिखा, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, वाई इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रिजर्वायर बराबर होता है एरिया ऑफ बेस प्लस फोर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वॉल। तो बेस का एरिया क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा बेटा, और प्लस फोर एक्स, चार एक्स होंगे और चार वाई होंगे, तो फोर एक्स वाई हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई बाय इक्वेशन नंबर थ्री, वाई के वैल्यू उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो टू टू ज़ा फोर, एक एक्स से एक्स कैंसिल, ए जो एरिया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब अपॉन एक्स हो जाएगा बेटे। अब क्या करोगे, सिंस एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए क्यूब अपॉन एक्स, एक्स को ऊपर शिफ्ट किया, एक्स की पावर माइनस वन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं बेटे, देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फोर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, एफ प्राइम ऑफ एक्स टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू ए क्यूब एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फाइव। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फाइव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, डबल प्राइम आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, टू हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस फोर, फोर ए क्यूब एक्स की पावर माइनस थ्री, इक्वेशन नंबर सिक्स हो गया। बेटा हम फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स कहेंगे, तो पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर फाइव में करेंगे, फाइव इज इंप्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ए क्यूब एक्स की पावर माइनस टू। बेटा इस माइनस पावर को नीचे शिफ्ट करो, पावर पॉजिटिव हो गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू एक्स क्यूब माइनस टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से जीरो मल्टीप्लाई हो गया खत्म, जीरो इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू ए क्यूब। अब
शिफ्ट करना माइनस तो टू से टू कैंसिल, एक्स क्यूब इजिकल टू ए क्यूब हो गया, और अगर पावर सेम हो तो बेसिस आर इक्वल होते हैं तो एक्स इजिकल टू ए हो गया। पुट एक्स इजिकल टू ए इन इक्वेशन में सिक्स, सिक्स में डालेंगे बेटा, और सिक्स में डाल के हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। अब देखें सिक्स इज एम्प्लाइज दैट एफ डबल प्राइम ऑफ ए एक्स की जगह टू प्लस फोर ए क्यूब ए के पावर माइनस थ्री। बेटा माइनस थ्री को नीचे लाएंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, और एफ डबल प्राइम ऑफ ए टू प्लस फोर सिक्स हो गया विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और फंक्शन इज मिनिमम उसने पहले ही कह दिया था एट एक्स ए पर होगा। तो पुट एक्स ए इन इक्वेशन में थ्री में डालें, वाई इज टू ए क्यूब अपॉइंट टू ए स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, वाई इजिकल टू ए अपॉन टू। उसने डायमेंशन कहा था यानी कि लेंथ ब्रेथ और आपके हाइट मालूम करनी थी। अब देखिएगा हैंस द रिक्वायर्ड डायमेंशन आर एक्स टू ए टू टाइम्स आर वाई इजिकल टू ए अपॉन टू। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। बेटा आखिरी सवाल की जाने बढ़ते हैं, ये 9.8.3 एक्सरसाइज से लिया गया। फाइंड द इक्वेजन ऑफ द हाइपरबोला इफ एसेंडिसिटी इज इक्वल टू 5/3 है, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम इज 64/3 है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपके पास इज अलोंग वाई एक्सिस है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बेटा लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम टू मॉडुलस टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, और ये गिवन है 64/3 के बराबर, मॉड खोल लीजिए 2 32 64। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 32 a/3 था। इक्वेशन नंबर वन बना दीजिए यूजिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। ये रिलेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके हाइपरबोला गिवन हो। अब आप यहाँ पर आप बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर करेंगे, ई की वैल्यू गिवन है 5/3 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 25/9, एलसीएम लेंगे 9 × 9। तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 25 − 9/9, तो ये 16 a² / 9 हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेटिंग 1 and 2 करेंगे बेटा, 1 and 2 किया तो 32 a/3 इजिकल टू 16 a² / 9। देखिए एक a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इजिकल टू 32/3 मल्टीप्लाई बाय 9/16, कैंसिल आउट करेंगे a इजिकल टू 3 × 6 हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा अब a इजिकल टू 6 हो जाएगा, फिर क्या करना है, a की वैल्यू को रिप्लेस करना है आपने। पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 2 इज इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 6² / 9, सिंप्लीफाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ है, इज अलोंग है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटे हम। तो देखिए ये सवाल में गिवन है ठीक है कंडीशन, तो हम इस्तेमाल करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की 36, बी स्क्वायर की 64, 36 और 64 का एलसीएम निकाला 576 आया, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 576, तो ये हो जाएगा 16y² - 9x² इज इक्वल टू 576। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सब सोल्यूशंस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।